हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम लुसेंट कवर करा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साइंस के बायोलॉजी क्वेश्चन हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लायक हो, इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं, और पिछले क्लासेस को नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को या फेफड़ा को। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें मस्तिष्क का, तो हमारा जो माइंड होता है मस्तिष्क का। तो अल्जाइमर जो एक तरह का रोग है, जो मानव शरीर के जो मस्तिष्क को इस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो इसको ये आपके किस कारण होता है? तो अल्जाइमर नामक जो रोग के कारण मानव शरीर के आपके इस भाग को प्रभावित करता है। ये जो हमारे जो शरीर के अंग जो ऑर्गेन्स होते हैं, ये मस्तिष्क को मुख्य रूप से मनुष्य के जो स्मरण क्षमता, जो हम हमारी याददाश्त को बहुत प्रभावित करता है, ये हमारी इसको निरस्त कर दी जाती है। इसके कारण लगभग इस जो मनुष्य में लगभग 48 से 65 वर्ष के बाद ये आपका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फ्लोरोसेंट जो लैंप चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विद्युत धारक प्रभाव को कम करना होता है, या विद्युत धारक प्रभाव बढ़ाना है, या प्रतिरोध को कम करना है, प्रतिरोध को बढ़ाना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिरोध को बढ़ाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु जो भार होता है भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहा जाता है? तो संभारिक, समस्थानिक, सम्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है? संभारिक कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसके अंतर्गत वे तत्व जो आते हैं, जो द्रव्यमान की जो संख्या होती है समान होती है, लेकिन इसमें जो परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक जो कि अलग अलग और ये आपके संभारी कहलाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में स्किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविता के दौरान नहीं होता है? तो आपके अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या आपके कैथोड किरणें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गामा किरणें। ये आपका जो गामा किरणें हैं, इसके उत्सर्जन या रेडियो एक्टिविता के कारण इसके दौरान नहीं होता है। कहने का मतलब है, आपका जो गामा जो किरणें हैं, ये आपके इसमें कोई नुकसान वगैरह नहीं होता, मतलब इसके उत्सर्जन से रेडियो एक्टिव वगैरह हानि नहीं पहुंचता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको शुद्ध तरंग इसको कहा जाता है, ऊर्जा तरंग है, तो इसको याद रखिए। बाकी जो अल्फा और जो बीटा का ही है, इससे उत्सर्जन वगैरह होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क का। तो पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर के आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, इसको याद रखिए। तो पीयूष ग्रंथि जिसका आकार, मतलब वेट जो है 600 ग्राम लगभग माना जाता है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है और आपके मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सी गैस है जो चूने के पानी को, याद रखिएगा, चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहा जाता है, तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के चूने को पानी को यहाँ पे दूधिया कर देता है। तो इसको याद रखिए, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने, कार्ल सीले ने, विलियम हार्वे ने, ए और बी दोनों ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके, इसको प्रिस्टले, इसको जोसेफ प्रिस्टले कहा जाता है। ये आपके वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, 1774 में इन्होंने जो कि ऑक्सीजन की खोज इनके द्वारा की गई थी, वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने, इन्होंने इस गैस की खोज इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिए, ऑक्सीजन की खोज इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कितने ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन हम देखें तो 120 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऊंचाई जैसे जैसे आप जाते जाएंगे, तो लगभग 120 किलोमीटर बाद आप जाएंगे तो ऑक्सीजन की जो मात्रा आपके नगण्य होती है। तो यहाँ पे 120 किलोमीटर आप जाएंगे ऊपर, तो लगभग यहाँ पे देखें वायुमंडल में जो वायु की मात्रा है 21% पाई जाती है ऑक्सीजन की मात्रा है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे,
तो ऑक्सीजन जो है आपके लगभग नगण्य होते जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है कितने भागों में बंटा है। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल लगभग कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये आपका 5 भागों में बटा हुआ है, इसको याद रखिएगा। तो 5 परतों में विभाजित किया है पृथ्वी की सतह से। ये आपके पहला आपका देखें, आपको पहला क्षोभ मंडल, और आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यम मंडल 1, 2, 3, और आपका बाह्य मंडल, और आपका 5वां बहिर्मंडल। तो 5 ही आपके 5 परतों में इसको विभाजित किया गया है, तो इसको याद रखिए। स्टार्टिंग का जो है आपका क्षोभ मंडल कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा वायुमंडल जो वायुमंडल की सबसे गर्म परत कहलाती है, तो थर्मोस्फीयर, मेजोस्फीयर, आयनोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्मोस्फीयर। ये आपका जो वायुमंडल है, ये आपका सबसे गर्म परत है, आपका सबसे गर्म रहता है। ये पृथ्वी के लगभग 80 किलोमीटर जो कि फैला हुआ है, और ये लगभग इसके जो तापमान की बात करूँ, 1500 डिग्री जो सेल्सियस इसके गर्म रहती है, इसी के कारण यहाँ पे ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। याद रखिए, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस इसको माना जाता है हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन इसको एस से प्रदर्शित किया जाता है, आपके रंगीन होता है, गंधहीन रहता है। और आपका जो हाइड्रोजन जो गैस है, आपके हल्की गैस तो होती ही, ये आपके आवर्त सारणी में इसको देखेंगे, आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस इसको माना जाता है। इसका परमाणु क्रमांक देखें, तो इसका परमाणु क्रमांक जो है इसका 1 होता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके अधात्विक होते हैं और आपके स्वाधीन होते हैं हाइड्रोजन, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा जो गैस है दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, जो कि दुनिया के खतरनाक माना जाता है। तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या आपके सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको CO से दर्शाया जाता है। तो आपके अत्यधिक जहरीली इसको माना जाता है, गंधहीन भी और स्वादहीन भी होता है, तो इसको याद रखिए। कार्बन जो मोनोऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र आपका CO इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसको कहा जाता है दुनिया की सबसे जहरीली गैस, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से कहा जाता है। इसे क्या होता है, ये आपके जो है इससे हम जैसे हमारे जो लंग्स वगैरह ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो आपके जो वातावरण में जो हम शुद्ध हवा ना लेके हम जो आपके जो प्लांट वगैरह से जो हम अशुद्ध जो हवा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जो गाड़ी वगैरह जो धुआं वगैरह हम लेते हैं, तो इससे क्या जो फेफड़ा नुकसान होता है, और हमको एक समय ऐसा आता है कि हम सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ये होते हैं, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत हो, जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका अच्छे से कर नहीं पाता है, इसलिए फिर हम एक समय में इसका जो दुष्प्रभाव हम हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो खास करके धूल धुआं वगैरह दो गाड़ी जो वगैरह चलता है, तो इससे ये आपके शरीर को बहुत ही नुकसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा जो आपके मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी पाई जाती है, तो आर्गन, नियॉन, जीनॉन या रेडान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्गन। तो पृथ्वी के पपड़ी जो ऊपर का जो परत होता है, तो ऊपर के परत में सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ जो गैस पाई जाती है आर्गन। याद रखें, पृथ्वी के पपड़ी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, 15% जो है आपकी परत पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो आर्गन को याद रखिएगा। इसको ARC को प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु संख्या इसके देखें तो ये आपका 18वें क्रम में आता है आवर्त सारणी में, या किसको ARC प्रदर्शित किया जाता है, दुर्लभ गैस है, इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है यहाँ पे तत्व पाया जाता है,
सर्वाधिक मात्रा में हम देखें तो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में तत्व आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन या आर्गन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन O2। तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में O2 ऑक्सीजन पाई जाती है, इसको याद रखें। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, लगभग 46% हमारे धरती पे पाई जाती थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, तो लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या जिंक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम, इसको ऐसे दर्शाया जाता है AL से। तो एल्युमिनियम जो कि पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है एल्युमिनियम, आपके मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और इसका जो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट, याद रखिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका अयस्क कौन है एल्युमिनियम का, तो बॉक्साइट है। आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी में जो अभी वर्तमान में जो सिलेक्शन लिए हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन सा है, तो आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, बॉक्साइड इसका अयस्क है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँ डेली बेस पे, मैं करंट पे पढ़ाता हूँ, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, UPSC, PSC, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तो थैंक यू, चलिए।